हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का ओल्डर एस्मा में रिसेंटली नई सोनू की एंट्री हुई है। एंड मेक श्योर दैट ये सोनू भी आप सभी लोगों को पहले की सोनू की तरह काफी पसंद आई होगी। और यहाँ पे सोनू की एंट्री के साथ साथ जो पहली स्टोरी शुरू हुई है वो टप्पू सेना की कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड है। यानी कि शो के अंदर हमें काफी टाइम से टप्पू का कॉलेज नहीं दिखाया गया। यानी कि ज्यादातर स्टोरी सिंपल होती है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स के आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन इस बार कहानी में कुछ डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। अब जब भी टप्पू सेना की कॉलेज लाइफ की बात आती है तो फैंस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और जैसा कि हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि यहाँ पर इस समय टप्पू और सोनू अपने कॉलेज में नहीं है, और इस समय आत्माराम मिडू को इस बात का पूरा भरोसा है कि टप्पू और सोनू वंग करके डायमंड सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए गए हुए हैं। लेकिन आखिरकार इस बात की सच्चाई क्या है? और वहीं दूसरी ओर आत्माराम भिड़े ने भी ये बात डिसाइड कर लिया कि वो टप्पू और सोनू को रंगे हाथों पकड़ेगा, वो भी जेठालाल के साथ में। तो यहाँ पे ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे टप्पू और सोनू अपने किसी पर्सनल काम से ही वहाँ पर गए होंगे। फिलहाल वही सब है कि आप भी आने वाली स्टोरी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।